जयपुर होलसेल टेक्सटाइल डीलर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। पुरोहित जी का कटला बड़ी चौपड़ पर आयोजित इस कार्यक्रम में अध्यक्ष राजेश शर्मा, उपाध्यक्ष राकेश माथुर, महासचिव मोहन जलरेचा, सचिव पवन खंडेलवाल एवं कोषाध्यक्ष कैलाश चंद खंडा का स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सदस्य एवं जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने इन व्यापारिक नेताओं का सम्मान किया। उनका मानना था कि व्यापारिक एकता के जरिए व्यापारिक हितों की बात की जा सकती है और मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी व्यापारिक हितों के लिए काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भावना रखकर हमें व्यापार जगत को भी जोड़ना होगा और उनके मुद्दों को प्रभावी ढंग से सरकार के सामने रखना होगा। मैं जयपुर होलसेल टेक्सटाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष राजेश शर्मा, हमारे आदरणीय सुभाष जी गोयल साहब जो जयपुर व्यापार महासंघ और कैट के अभी हाल ही में सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार करता हूं कि इन्होंने हमारी संस्था में आकर के हमें अपना अपने अपने साथ में जोड़ने का और अपने इनके साथ यहाँ आने से हमें भी अपना बल मिला और आने वाले समय में हम भी इनके साथ अपना बल बढ़ाएंगे। इनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ हमारी संस्था की ओर से, और ये सदैव हम ये चाहते हैं कि ये सदैव हमारे साथ हो। धन्यवाद। आपके होलसेल व्यापार में कोई ऐसी समस्या जो आप सरकार से चाहते हैं पूरी करना? सर, हमारी समस्या तो देखो पिछले 40 सालों से बहुत ही बड़ी समस्या है, और वो समस्या है कि यहाँ पे व्यापारियों को अभी तक, हमारा कपड़ा व्यापार मंडल एक ऐसा है जिसको आज तक कहीं भी एक भूमि नहीं दी गई, जो हमारी मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है। आज जगह जगह आप जिस भी मंडी को देख लो, आप मतलब आतिश मार्केट को जगह दे दी, उधर से चाय वालों को जगह दे दी, उधर से ट्रांसपोर्ट वालों को दे दी, लेकिन ये कपड़ा व्यापारियों को आज तक हमारे को कोई भी जगह नहीं दी है, जबकि हमारे प्रयास कागजों में 40 साल से लगातार पड़े हुए हैं। हमको दिखाते हैं हम ये दे देंगे वो दे देंगे, पर देते कुछ भी नहीं है। हमारी सबसे पहली डिमांड यही है, और मैं तो सुभाष जी भी आए हुए तो इनको भी यही कहना चाहूंगा कि हमारे साथ में इस मुद्दे में भी लगे, ताकि हमको एक भूमि तो आवंटित हो। यहाँ अब कटले में स्थिति है वही सब, यहाँ कोई कार लेकर के आने की तो सोच ही नहीं सकता है। सपना है उसका कि मैं कार लेके आ जाऊँ, यहाँ खड़ी कर दूँ, तो जब खुद दुकानदार ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पे कार खड़ी नहीं कर सकता तो ग्राहक कैसे आएगा, जब ग्राहक ही नहीं आएगा तो व्यापार कैसे चलेगा। ये सब चीज़ें हैं, बहुत परेशानियाँ होगी इस चार दीवारी में। हम तो खुद हैं जो इस चार दीवारी से जाना चाहते हैं और चार दीवारी से निकल कर अपने व्यापार को कहीं एक जगह ले जा करके बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकारें कई आई और कई चली गई, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अब जो सरकार अभी आई है, हम उनसे फिर प्रयास करने जा रहे हैं, साथ में हमारे सुभाष जी गोयल साहब हमारे साथ हैं, हम इनका भी साथ लेंगे, इनका सहयोग लेंगे, और ये जो हमारी मांग बरसों से बनी हुई है इसको हम ये चाहेंगे कि ये हमारी मांग को पूरी करें और हमारे व्यापारियों को ज़मीन दें ताकि वो अपनी दुकानें वहाँ पर ले जाएँ और ले जा करके अपने व्यापार का संवर्धन करें। धन्यवाद। जयपुर होलसेल टेक्सटाइल डीलर्स एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को मैं तय दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पूर्व में आप अविनाश जी आपके अध्यक्ष रहे हैं जी, मैं अविनाश जी को भी बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी संस्था के लिए 24 घंटे मैं तो लगातार आपके साथ संपर्क में रहूं, हमेशा जब भी कोई बात हुई है तो आपका सहयोग इतना कि आपको जब भी फ़ोन किया आप 10 मिनट में वहाँ पर पहुँचे हैं, और उस आपकी संस्था के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, हर तरह से मतलब आपका सहयोग रहा है और आपको पूरा सहयोग। अगर मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ कि पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष बन करके आना और एक अच्छी टीम को बनाना, अच्छा आगे बढ़ाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी संगठन की ताकत है, और आपकी संगठन की ताकत को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमेशा जब भी बोले तब आपकी पूरी टीम आई है। चाहे आपने GST में जो कपड़े पे जो मामला था 5% का, बहुत भारी मामला था, और आप लोगों की ताकत, आप लोगों का प्यार और आप लोगों की एक मजबूती की वजह से ही वो टिक पाया। उसी के साथ में एक जूतों वालों का और रहा था मामला, लेकिन उनका ठीक है, 18 से वो 12 में आ गए, लेकिन 5 वाला 12 में चला गया, हमें बड़ी दुख था, उसके लिए भी हमने पूरा संघर्ष किया था और आगे करेंगे, लेकिन कपड़े में आपका 5% रहना ये आपकी ताकत को दर्शाता है। इसके अलावा कटले में भी पहले भी जब कोरोना था बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही थी, अंदर आने की बाहर जाने की काफ़ी पुलिस की दिक्कत भी थी, लेकिन आप समय पर रह करके किया,
और एक धन्यवाद मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि जब इतना बड़ा हमला हुआ अपने यहाँ, जबकि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कोई मामला था, वो रात को ख़त्म हो गया था, ठीक 12 घंटे के बाद में आकर के कुछ लोग आए। लेकिन धन्यवाद मैंने बड़ी चौपड़ से भी दिया था आपको कि आपकी हिम्मत और आपकी तत्परता और आपका एक कह सकते हैं कि जज्बे को देखते हुए इतनी बड़ी, बहुत बड़ी कुछ भी घटना हो सकती थी उस समय, कुछ भी करने को तैयार थे वो लोग और हो सकता था, लेकिन आप लोग खड़े हुए और उनको भगाया, जिससे कि हमारी आज कह सकते हैं, और उसकी वजह से प्रशासन ने भी मानी, अगर उस समय कुछ घटना हो जाती तो हो सकता 2 दिन बंद हो, 5 दिन बंद हो, और हमारा 1 दिन बंद होने का मतलब 1 महीने से ज़्यादा व्यापार खराब होता है, क्योंकि टूरिस्ट को पता लगता है कि जयपुर बंद है, जयपुर में ये तकलीफ है, तो वो सारे प्रोग्रामों को चेंज कर देता है। लेकिन आपकी एक मैं कहता हूँ एकता को और ताकत को देखते हुए बिल्कुल किसी भी घटना को ना होने दिया और एक वाकई परिचय दिया, और परिचय के बाद में जैसे अपन ने बंद की घोषणा करी तो आपकी और आपकी पूरी टीम वहाँ पर पहुँची, और पहुँच करके अपन ने बंद का भी इतना बढ़िया ऐतिहासिक रहा कि एक खोमचा छोटे वाला भी नहीं भाई, आपकी व्यापारियों की ताकत थी और वास्तव में ताकत होनी चाहिए तभी व्यापारी को आगे बढ़ पाता है। इस बार अपन ने सबने एक मुहिम छेड़ी थी कि बोर्ड प्रतिशत कैसे बढ़े, व्यापारी हमेशा सपोर्ट भी करता है, नोट भी देता है।